यह समस्या अभोली ब्लॉक के प्रताप सिंह पट्टी गांव की सुनीता देवी की है। इनकी दोनों आंखें विकलांग हो गई हैं। ये बहुत गरीब लड़की हैं। इनको बाहर आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं केसा देवी, ये है मेरा समुदाय। का नंबर सुनीता नंबर। सुनीता, तोरे बाबू के मरे कई साल हो गया? मेरे बाबू के? हाँ, मेरे बाबू के 6 साल हो गए। और माई के? माई के मरे? माई के मरे, मेरे माई के मरे 3 साल हो गए। और इतहार आग कब से खराब भई है? ईमान के रहे तब खराब। कई दे 15 साल। ई आग दिखाई दे तहार बाबू कतौ गए रहन कि ना? गवा रहन सगरो गवा रहन। डॉक्टर कहे ना बन पाए, मैं फिर बाटे जवाब दे इलाहाबाद ले गए रहे। तो कहे डॉक्टर 1000 रुपया दे तब आँख नहीं बनी, आँख दूसरा लगा जाए। सुनीता, आपकी क्या है? हमारा बहन है। हम चाहते हैं कि इसको कोई लाभ हो, इसी कारण भैया हो, थोड़ा इनकर सेवा सरतार हो, भोजन पाए। बड़ा दिक्कत होता है, सुन के तकलीफ होता है मेरे को। हम तो अंते गाँव में रहते, हमारा घर द्वार हो गया है, शादी ब्याह हो गया है, वहाँ से यहाँ आने में हम यहाँ थोड़ी रहेंगे। अब 4 दिन हो गया है आया है, जब से बच्चे बाहर भीतर दिखावत है, तकावत है, हगावत है, मुतावत है, खाना कपड़ा ओढ़ना सब देखत है। हम जय दिन रह बसता दिन न। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि अभोली ब्लॉक के वीडियो मीरा रानी गुप्ता के मोबाइल नंबर 9450186820 पर दबाव बनाएं, ताकि सुनीता जैसे बेसहारा लड़की को हर चीज़ की सुविधा मिल जाए, उनका विकलांग पेंशन बन जाए। मैं केसा देवी, ग्राम प्रताप सिंह पट्टी, ब्लॉक अभोली, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।